फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी सोयाबीन की सब्जी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। यकीन मानिए, सब्जी खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है कि अगर आपने एक बार इस सब्जी को खा लिया तो आप इसके आगे छोले पनीर सब फेल है। इतनी खाने में मजेदार लगती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये हमने सोयाबीन की बरियां ली हैं, इन्हें सोया चंक्स भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे सोयाबीन भी बोलते हैं। ये हमें इजिली मार्केट में मिल जाती हैं। ये हमने 100 ग्राम के करीब लिए, यानी 2 कप, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए हमने 2 गिलास पानी इस पैन में गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये पानी भी बॉईल हो गया है। अब जो हमने बरियां ली थी वो हम इस पानी में डाल देते हैं और इन बरियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल होने देते हैं। 3 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये बरियां भी बॉईल हो गई हैं। देखिए, अपने साइड से ये डबल हो गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन बरियों को हम बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी बरियों को निकाल लिया है। अभी ये बरियां काफी गर्म है, इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। अब ये बरियां भी ठंडी हो गई हैं, इसमें से हम थोड़ी सी बरियां हाथ में ले लेते हैं और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हल्के हाथों से दबाते हुए निकाल लेते हैं। अब इन बरियों को हम दूसरे बॉल में डाल देते हैं और इस तरीके से हम सभी बरियों में से पानी निकाल करके इस बॉल में डाल देंगे। ये हमने सभी बरियों में से पानी निकाल दिया है। गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब ये ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने बरियां ली थी वो हम इस ऑयल में डाल देते हैं। अब बरियों को हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट करीब भून लेते हैं। भूनने से क्या हुआ कि एक तो बरियों के अंदर जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और बरियों का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब ये बरियां भी भुन गई हैं, बरियों के ऊपर हल्की हल्की क्रिस्पी सी कोटिंग भी हो गई है और इनका कलर भी पहले से थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, बरियों को एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी बरियों को बॉल में निकाल लिया है। अब इन बरियों को हम ठंडा होने देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल और डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब फ्लेम को स्लो कर देते हैं और ऑयल को हल्का ठंडा होने देते हैं। अब ये ऑयल भी हल्का ठंडा हो गया है। ये 2 मीडियम साइज की प्याज लिए, जिसे हमने रफली काट लिया, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब फ्लेम को ऑन कर दिया है और प्याज को लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। ये हमने 4 लहसुन की कलियां ली हैं, इसे भी हम प्याज के साथ डाल देते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी डाल देते हैं। इन दोनों चीजों को भी हम प्याज के साथ भून लेते हैं। अब ये प्याज भी हल्के गोल्डन कलर की हो गई है। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए, जिसे हमने रफली काट लिया है और टमाटरों को भी हम प्याज में डाल देते हैं। टमाटर को मिक्स कर देते हैं। अब ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक को मिक्स कर देते हैं। अब हम ढक देते हैं और टमाटरों को 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट होने देते हैं। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अब ये सोया बड़ी भी ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
एक टीस्पून नमक, नमक का हमने इस्तेमाल पहले भी किया है उसको ध्यान में रखते हुए आप नमक का यूज करें। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये हमने एक कप फ्रेश दही लिया है जिसे हमने फैट लिया है, दही को भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। इधर टमाटर प्याज भी ठंडे हो गए, इसे हम मिक्सी में डाल करके महीन पीस लेते हैं। ये हमने टमाटर प्याज वगैरह को भी मिक्सी से महीन पीस लिया है। अब दोबारा से हम कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब इधर ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, अब फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए, खड़े मसाले में एक बड़ी इलायची, एक टीस्पून जीरा, दो छोटे साइज के तेज पत्ते, तीन छोटे साइज की लाल मिर्च, चार से पांच लौंग, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, ये 8 से 10 काली मिर्च, ये सभी मसालों को हम इसी ऑयल में डाल देते और मसालों को कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं। जब हम इस तरीके से खड़े मसालों को भून करके सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब ये मसाले भी भुन गए। अब जो हमने प्याज टमाटर वगैरह पीसे थे वो हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं और सभी चीजों को मिक्स कर देते। अब टमाटर प्याज वगैरह को हम 2 से 3 मिनट करीब और भून लेते हैं। हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने इन सभी चीजों को पहले ही भून लिया है। अब जो जार में मसाला लग रहा था उसमें हमने 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। अब इस पानी को भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं और मसाले को भून लेते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 मिनट करीब हो गए हैं, अब ये मसाले भी भुन गए हैं। अब सोया बड़ी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब बड़ियों को मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं और इनको हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बॉल में थोड़ा सा मसाला लग रहा था उसमें हमने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब इस पानी को भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिए, इसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे कि सब्जी में फ्लेवर अच्छा आएगा और सब्जी खाने में भी टेस्टी लगेगी। 1/2 टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर। अब दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये मसाला भी भुन गया है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब सब्जी में 2 कप गरम पानी डाल देते हैं जिससे कि सब्जी का कुकिंग प्रोसेस रुकेगा नहीं। सब्जी में पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको जितनी पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी को डाल ले। पानी को मिक्स कर देते। अब जो हमने तेज पत्ते डाले थे वो हम निकाल देते, इसका जितना फ्लेवर आना था वो सब्जी में आ गया है। अब सब्जी को ढक देते और 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे और पकने देते जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर बड़ी के अंदर अच्छे से आ जाए। 5 मिनट करीब हो गए। अब हम इस सब्जी को चेक कर लेते। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और दोनों चीजों को मिक्स कर लेते। देखिए कितनी बढ़िया सोया बड़ी की सब्जी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट जैसी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम सब्जी को सर्व कर लेते। देखिए कितनी बढ़िया सोया बड़ी की सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, चपाती, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब्जी चावल के साथ खाने में ज्यादा टेस्टी लगती है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये सब्जी किसके साथ ज्यादा पसंद आती है। आप मुझे ये भी बताइए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मुझे आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिख के बताइए कि आप इस सब्जी को कब बना रहे हैं। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार हुई है और इस सब्जी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस सब्जी के ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है।
देखिए कितनी लाजवाब और टेस्टी सोया बड़ी की सब्जी बनके तैयार हुई है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए।